हाय फ्रेंड्स, मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली दिखाने के ऊपर। जी हां दोस्तों, किसी को कुंडली दिखाएं तो उसे कितना पैसा दें, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। कुछ लोग कुंडली दिखाने से पहले झिझकते हैं कि यार बहुत पैसे लगेंगे, दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, सामने वाला कितने रुपये लेगा कितने रुपये नहीं लेगा। दोस्तों मैंने कुछ रिसर्च किया, हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, ये कुंडली देखने के लिए काफ़ी मोटा मोटा पैसा चार्ज करते हैं। कोई दोस्तों 2,100 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 2,500 रुपये चार्ज कर रहा है और कुछ कुछ महानुभाव तो 4,000-5,000 तक चार्ज कर रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत ही विचित्र ज्योतिषाचार्य हैं जो मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं, जैसे कि अगर आपको उनसे कुछ सलाह चाहिए, कोई बात करनी है, तो वो 1 मिनट का 30-40 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि ज्योतिष एक विद्या है, एक तरह का ज्ञान है, और ज्ञान को आप जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। ज्ञान को बांटने का कोई पैसा लेना कोई उचित नहीं है। दूसरा, ज्योतिष के जरिए हम एक परोपकार का काम करते हैं, किसी की भलाई का काम करते हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए आदमी को बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। तो किसी को इस तरह से भलाई करके उससे पैसा लेना एक अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों अगर आप अपनी इच्छा से अगर पैसा देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है, पर अगर कोई आपसे फीस चार्ज कर रहा है तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको या तो उसको फीस तब देनी चाहिए जब आपका सॉल्यूशन हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ इन्होंने जो मुझे बताया है और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया है और उसके बाद मुझे उसका फल मिला है, तो दोस्तों आपको उनको पैसे देने चाहिए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो ज्योतिषाचार्य पैसे चार्ज करते हैं, काफ़ी मोटी मोटी मनी इसके लिए वो लेते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए और उसके बाद आपको उनके संपर्क में आके उनको उस तरह से पैसे देने चाहिए। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है ज्योतिष से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, आपकी जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही है, जॉब में कोई दिक्कत है, शिक्षा में कोई दिक्कत है, फैमिली में कोई दिक्कत है, या किसी भी प्रकार का और भी कोई सवाल है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल निःशुल्क सवाल का जवाब दिया जाएगा, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आप कभी भी अपना सवाल ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी जो मैंने दी है इससे आप थोड़ा सा कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। और दोस्तों जल्दी मैं अपना नया अध्याय लेके आ रहा हूँ कुंडली के ऊपर, तो दोस्तों मिलते हैं उस अध्याय में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।